और गाइस अभी ना भारी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा JR पास गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो भाई सब अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। सभी के एडवांस हो गए, एक टिकट गुम हो जाए, उसने ये रिश्यू नहीं कर सकते। यार देखो इसको रिकॉर्ड करने के लिए भाई साहब कितना क्रेजी फन कर रहे हैं। भाई साहब देखना, भाई साहब वो हाय, यस आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते। 2500 से भी ज्यादा लोग एक बारी में क्रॉस करते हैं। ये है क्रेजीएस्ट पाथ, यानी वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट जेब्रा क्रॉसिंग। सच में भाई क्रेजी एक्सपीरियंस है, चारों तरफ से इतने सारी भीड़ आ रही है भाई। और गाइस आपको एक मस्त बात बताता हूँ, यहाँ से ना हम कम से कम 4-5 बार इधर से उधर हो चुके हैं, हम अकेले नहीं है ऐसे। यहाँ पे अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना ना, ऐसे लाइंस लगानी पड़ती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूँ अभी टोक्यो और मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ यहाँ के सबसे फेमस क्रॉसिंग पे, जिसका नाम है सिबुया क्रॉसिंग। और थोड़ा सा ये वॉकिंग टूर हो जाएगा जापान के टोक्यो का, और इसमें अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ शेयर करूँगा आपको टोक्यो से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और ये देखो गाइस, आपको ये ऐसे ऐसे छोटे कलाकार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इधर, और जैसे जैसे रात होगी बहुत बढ़ जाएंगे। और गाइस आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सिबुया जा रहे हो ना, तो किसी भी स्टेशन से जा रहे हो आप, सिबुया स्टेशन की मेट्रो लोगे और JR लाइन इसमें कवर नहीं है, JR लाइन नहीं जाती उधर, तो आपको अलग से टिकट बाय करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और मेरे को पता चला, अगर आपके पास JR पास है ना और आप टिकट खरीद रहे हो, तो उनको ना JR पास शो कर देना, डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे थी 570 की, पर JR पास शो किया ना मैंने, बताया कि मेरे पास JR पास है, तो उसने 400 की दी एक बंदे की मेरे स्टेशन से। तो ये काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी दूसरी लाइन पर जा रहे हो तो उनको बोल देना कि आपके पास JR पास है, तो हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए जैसे हमारे को मिल गया। और गाइस यहाँ के बारे में आपको एक मस्त बात बताता हूँ, ये चीज़ तो मैंने अभी नोटिस करी, जो ये अंदर बोतल सी रख रखी है ना, ये ओरिजिनल नहीं है भाई, ये सिर्फ डमी रख रखी है। और मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना एक क्लिप में, थोड़ी सी इधर भी लगा दूंगा, ये बंदा मतलब कैसे जचा रहा है ऐसे, इसके पीछे बहुत सारी बोतल जचा रखी होती हैं। ये चीज़ तो तगड़ी है, देख लो आधी आधी सी बोतल रखी हुई है, मतलब सिर्फ डेमो लगा, डेमो का काफ़ी तगड़ा कल्चर है इधर, हर चीज़ का तो डमी रख देते हैं, खाने का, पीने का, चाय का, कॉफ़ी का, हर चीज़ का डेमो। गाइस मैं पहुंच गया हूँ सिबुया स्टेशन, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्टेशन के लिए, क्योंकि इससे ना मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अगर आपने टोक्यो ड्रिफ्ट देखी है तो आपको पता ही होगा कि टोक्यो किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब जो वो क्रॉसिंग है जिसको बोलते हैं सिबुया क्रॉसिंग, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी प्लेस है। वहाँ पे जब टोक्यो वाली ट्रिप में वो स्केटिंग करते हैं ना, उस टाइम पे वो जो भीड़ दिखाते थे यार, वो वाला सीन देख के मैंने ऐसे पूरा एक्साइटेड होता कि कहीं पे इतने सारे लोग हो सकते हैं क्या। और फाइनली मैं 26 साल का हो गया हूँ और अब मेरे को ये मौका मिला कि जापान में मैं आके ये वाली चीज़ देखूंगा, तो चलो बाहर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को, जो कि काफ़ी क्रेजी है। और गाइज यहाँ पे आते ही मेरे को पता नहीं क्या देखने को मिला, ये पता नहीं भिखारी बैठा है या फिर क्या है, आई थिंक भिखारी बैठा है, सही सिगरेट पीने लग रहा फिर भी भिखारी है। और गाइज आ तो गया मैं बाहर, अभी मेरे को जाना है, 350 मीटर दिखा रहा है मेरे को इधर से बाय वॉक। और गाइज आपको एक मस्त एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी जो मैं डिस्काउंटेड टिकट लेके आया था ना 400 की, वहाँ से यहाँ पे आते ही भाई वो फेयर एडजस्टमेंट कुछ दिखा रहा था, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं ऐसे निकलने लगा, तो एक निकल के आया, एक बंदा निकल गया, भाग के आया पकड़ के, ऐसे अजीब तरीके से हाथ लगा रहा भाई, वो बोल रहा इधर जाओ, वो फेयर एडजस्टमेंट का कुछ सिस्टम था शायद, मेरे को समझ नहीं आया था क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, शायद वो ना JR पास टिकट के साथ डालना था, तब वो शायद वैलिडेट करता होगा सही से। पर भाई साहब वो बंदा आया, नहीं मतलब पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे JR पास, मतलब मेरे को ज़बरदस्ती ऐसे काउंटर से पे पकड़ के ले गया, थोड़ा सा रूड बिहेवियर था उसका, जहाँ तक मुझे समझ में आया, उसको लगा होगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब ये भी नहीं कह सकता, अब अपनी जगह पे वो ठीक था, मेरी जगह पे मैं ठीक था, पर थोड़ा सा ख़राब सा लगा मेरे को कि ऐसे, वो बता भी सकता था कि ऐसे ऐसे, क्योंकि हम तो टूरिस्ट हैं ना भाई, हमारे को थोड़ी पता है। फिर वहाँ पे जाके जब हमने बोला कि हमारे पास JR पास है, फिर बोलता ओके, मतलब ये चीज़ मेरे को मतलब बेकार लगी, अगर ऐसा कुछ है एटलीस्ट टूरिस्ट को तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इनको कि भाई पूछना चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब अजीब सा बिहेव नहीं करना चाहिए। बाकी चलो कोई नहीं, अभी हम फाइनली पहुंच गए आई थिंक सिबुया क्रॉसिंग पे, और यहाँ पे भाई साहब देखने में तो काफ़ी मस्त मस्त बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ टोक्यो के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट। टोक्यो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बिजिएस्ट स्ट्रीट मानी जाती है। बिजिएस्ट स्ट्रीट कैसे, यहाँ पे भाई साहब दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इधर उधर जाते हैं क्रॉसिंग के ऊपर,
जिनमें से जो ये क्रॉसिंग है ये वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है और यहाँ के लोग इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल, लाइक बिजिएस्ट इनक्रेडिबल स्क्रैम्बल, यानी लाइक मैशी टाइप इधर उधर, जैसे अंडा होता है ना इधर उधर ऐसा कुछ, वही झमेला है यहाँ पे। और भीड़ देख लो भाई साहब, और ये काइंड ऑफ यहाँ का वो बोलते हैं ना न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, ये जापान का टाइम स्क्वायर है। बाकी फोटोज वीडियोज में मेरे को ऐसा देखने में लगता था कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, है तो थोड़ा सा एरिया, पर आई थिंक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रॉस करते हैं इधर उधर। और भाई साहब इधर काफ़ी सारे लोग ये पंपलेट से बांट रहे हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के बांट रहे हैं, पर काफ़ी क्रेजी है। तो अभी एक्सपीरियंस करते हैं उधर जाके ये रोड क्रॉसिंग का सीन कैसा है, तो थोड़ा पास चलते हैं और फिर वो चीज़ बताता हूँ आपको। और गाइज ये देखो यहाँ पे जो टोटल ये क्रॉसिंग्स है ना, ये है सात, सात बोली जाती हैं। और यहाँ पे एक तगड़ी चीज़ है, जो क्रेजी चीज़ है वो ये है कि एक दिन में लाखों लोग इधर से उधर चले जाते हैं, लाखों लोग, जस्ट इमेजिन यार कितने ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और एक बारी जब रेड लाइट से ग्रीन लाइट होती है ना, तो 2,500 से ज़्यादा लोग, मतलब यहाँ पे जितनी भीड़ है ये पीक टाइम में 2,500 से भी ज़्यादा लोग एक बारी में क्रॉस करते हैं, जो कि काफ़ी क्रेजी लगता है। अभी देखते हैं इधर से, देखो भाई साहब वो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, मतलब ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। देखना कैसे जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं, देखो कितने ही लोग जा रहे हैं भाई। ये है क्रेजीएस्ट पाथ, यानी वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट जेब्रा क्रॉसिंग, जो कि है टोक्यो के अंदर, बहुत ही फेमस जगह है ये। इसको बोलते हैं भाई साहब सुबिया क्रॉसिंग कुछ करके। और इस टाइम पे जब ये क्रॉसिंग होती है, उस टाइम पे सारे व्हीकल एक साइड में रुक जाते हैं। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा रास्ता दिखाने के लिए, ये खुद ही मतलब इसको मैनेज कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है भाई साहब। अब देखना है, एकदम से ग्रीन लाइट डिप डिप करना स्टार्ट हो गई, उधर जाके ग्रीन लाइट हो जाएगी बंद, अब सारे लोग बंद हो जाएंगे और अब जो ट्रैफिक है वो चालू हो जाएगा। और ट्रैफिक देखते हैं कैसा, ट्रैफिक आज इतना नहीं है पर हाँ है काफ़ी। और ये वही वाली जगह है जहाँ पे टोक्यो ड्रिफ्ट में जो बंदा है ना, वो उसका नाम तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, पर वो जो जैपनीज बंदा था वो ड्रिफ्ट मारता है, उसको सिखाता है दूसरे यूरोपियन बंदे को, जो वो शायद पता नहीं कहाँ का, ब्राज़ील का था कहाँ का, यूएसए का था, उस बंदे को सिखाता है। तो यहीं से वो टोक्यो ड्रिफ्ट वाला सीन है जहाँ पे उसकी डेथ भी होती है लास्ट सीन में, मतलब गाड़ी पलट के। और यहाँ पे एक फेमस एक्टिविटी भी होती है जिसमें आप यहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ चला सकते हो, और काफ़ी महंगी होती है ये, मतलब काफ़ी क्रेजी होती होगी ना यार। देखना कैसे लोग गाड़ी चला रहे हैं इधर भाई साहब, बहुत ही मस्त लग रहा है। और इन वाली स्क्रीन के ऊपर ना ऐसे कुछ कुछ सीन्स प्ले हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्केटिंग वगैरह से रिलेटेड। और यहाँ पे ना भाई साहब एक चीज़ नोटिस करी मैंने, जितनी भी स्क्रीन चल रही है ना, सभी के अंदर म्यूजिक चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही है, मतलब जितना भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है अगर टीवी से रिलेटेड कुछ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूजिक भी आ रहा है साथ में। और ये देखो फिर से कितनी भीड़ इकट्ठी होगी भाई साहब यहाँ पे, और ये फिर से क्रॉसिंग करने के लिए रेडी है। अभी क्रॉस हुए थे कितने सारे लोग, और अभी फिर से देखो कितने सारे लोग इकट्ठा हो गए भाई साहब। और अब फिर से एक बार वही वाला सीन रिपीट होगा, ये देखना ये होगी भाई ग्रीन, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे आपस में भिड़ेंगे अभी, मतलब यलगार वाली फीलिंग आ रही है कि आक्रमण ऐसा कुछ। देखो भाई साहब कितनी यार हद है भाई साहब। और ये देखो भाई अभी मैं इसका पार्ट बन गया हूँ, और ये देखो भाई सच में भाई क्रेजी एक्सपीरियंस है, चारों तरफ से इतने सारी भीड़ आ रही है भाई साहब, जो कि काफी तगड़ी लग रही है देखने में, मतलब जबरदस्त लग रही है। और ये सामने देखो वो भाई कितने लोग क्रेजी हैं, मतलब वीडियो बनाने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, बहुत से बहुत भाई सही मजे ले रहे हैं यार, ये तो देखो तगड़े बंदे हो रहे भाई। ये टूर है क्या पक्का? अच्छा गाइडेड टूर है काइंड ऑफ, ये तो मस्त है यार। यार देखो इसको रिकॉर्ड करने के लिए भाई साहब कितना क्रेजी फन कर रहे हैं भाई साहब, देखना भाई साहब। हाय यस आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते नमस्ते। ये देखो भाई साहब पूरा ये रिकॉर्ड करने के लिए भाई साहब पागल है लोग यार, बार बार में मैं देख रहा हूँ, बार बार में लोग इधर से उधर जा रहे हैं सिर्फ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। काफ़ी क्रेजी थिंग है यार, काफ़ी क्रेजी है। और गाइज आपको एक मस्त बात बताता हूँ, यहाँ से ना हम कम से कम 4-5 बार इधर से उधर हो चुके हैं, हम अकेले नहीं है ऐसे भाई साहब, पागल हैं लोग सारे, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, मतलब रील्स वगैरह निकालने के लिए इधर से उधर हो रहे हैं, और हम भी अब जाएंगे। और गाइस ये हमारा कम से कम 7वीं बारी है इधर से उधर होने वाला,
मजे आ रहे हैं भाई साहब, बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, और हमने तो पॉइंट पकड़ा हुआ है भाई साहब, बीच में खड़े होते हैं आइबरिया, और मेरे को पता लग गया कि सबसे पहले कैसे निकलना है, उधर उधर वाले जब गाड़ियां बंद हो जाए ना, वो रेड वाला बंदा मतलब हाथ कर दे तभी निकल लो भाई साहब, क्रेजी है बिल्कुल, मजे आ गए पूरे हो गए पूरे। और काफी देर तक इधर उधर करने के बाद गाइस हमारे को लग गई है भूख, और अब ढूंढ रहे हम खाना, अगर इंडियन खाना मिल गया तो भाई साहब मजा आ जाएगा, अगर इंडियन खाना नहीं मिला तो देखते हैं 7-Eleven से या फिर किसी और जगह से ले लेंगे। और यहाँ पे आपको ना दुनिया के जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, सारे देखने को मिल जाएंगे। और भाई साहब इधर जैसे मैंने बताया काफ़ी बारी, कितने सारे यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएंगी, और ये वाली जो स्ट्रीट है काफ़ी फेमस है फूड के लिए, यहाँ पे बहुत सारे फूड के आउटलेट मिल जाएंगे, और साथ में मिल जाएंगे ऐसे कुछ छोटी मोटी गैम्बलिंग मतलब काइंड ऑफ गेमिंग के स्टोर्स। और भाई साहब ये देखो इधर लड़कियों का भी काफ़ी सारा सामान रखा है, ये देखो डॉलर की चेन रखी है, ओ भाई साहब ये देखो कितने सारे रिंग्स रखे हैं, बहुत सारे लोग इधर एक दूसरे को प्रपोज भी घूम करते हैं भाई। और अब इधर इन गलियों में आप गुम हो जाओगे, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, ये देखो खाने से लेके भाई साहब पहनने से लेके ओढ़ने से लेके हर चीज़ तो अवेलेबल है, सॉक्स की शॉप, ओ भाई साहब जबरदस्ती है, मतलब तगड़ा एरिया लगा मेरे को। हाँ पर अगर मैं 10 में से रेट करूँ ना तो मैं इसको 8 दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि मतलब तगड़ा है, बस ये कि हाँ बचपन से लेके स्ट्रीट मैंने देखी थी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी बचपन में, मतलब होता है ना यार उस टाइम पे स्पोर्ट्स कार देखने को मिल जाती थी गेम्स में वीडियोस में, तो पता नहीं क्या खुशी सी होती थी। और उस टाइम पे तो भाई साहब टोक्यो ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब काफ़ी ट्रेंड में थी, हर बच्चा उसको देखना चाह रहा था, हर बच्चा, तो उनमें से मैं भी एक बच्चा था और मेरा फाइनली सपना पूरा हो गया। और एक बात और बताता हूँ आपको, जब बचपन में ना जब मैं छोटा था तो मेरी ना हिंदी की किताब में, मैं जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो हिंदी की किताब में ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें मतलब पार्ट होते थे, उनमें से एक पार्ट ऐसा था जिसका नाम था तोको करके कुछ, कि तोको उसमें 2-3 क्वेश्चन होते थे तो मुझे हमेशा याद रहती कि तोको कहाँ रहती है, तोको जापान की राजधानी में रहती है टोक्यो में, और तोको क्या खाती है, तोको अंडा मछली मच्छी चावल खाती है, ये वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन होते थे। और मतलब एग्जैक्ट पूरी स्टोरी याद नहीं है पर ऐसा ही कुछ था। और भाई साहब वो बचपन से लेके जब भी मेरे को जापान याद आता था मेरे को ये वाली चीज़ तो पक्का याद आती थी, तोको वाली। तो फाइनली आज मैं आ गया हूँ तोको के देश में, इवन तोको की सिटी में, काफ़ी बढ़िया लगा। और अभी इधर हमारे को एक वफल्स की दुकान मिली है, देखते हैं इधर क्या कुछ मिल रहा है, कुछ बढ़िया लगा तो बाय करते हैं। और गाइस उस वफल वाले पे तो कुछ खास मिला नहीं क्योंकि पेट भरने वाली चीज़ें नहीं थी और महंगी इतनी थी कि 1400 येन मतलब 700-800 और एक जो पसंद आई थी जो खाने लायक लग रही थी उसके अंदर भाई साहब कबाड़ा कर रखा था उन्होंने, बर्गर को फ्राई करके उसके बीच में आइसक्रीम रख के दे रहे थे, मेरे को तो पर्सनली वो इतनी बढ़िया लगी नहीं। तो इधर से एक 7-Eleven दिखा रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर चला जाऊँ और वहाँ से मेरे को अगर कुछ खाने का मिल जाए तो मैं एक मील ले लूँगा वहाँ से। और यहाँ पे देखो भाई साहब काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखने को मिली यहाँ पे एज़ कम्पेयर किसी और सिटी के, जो कि मतलब एग्जॉस्ट के साथ घूम रही हैं। और गाइज ये अच्छी बात है कि बुरी बात है मुझे नहीं पता, यहाँ पे अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना ना ऐसे लाइंस लगानी पड़ती हैं भाई साहब, तब जाके अंदर मिलता है, और बाहर से डिसाइड करके जाओ आपको खाना क्या है मेन्यू लगा रखे होते हैं, ये काफ़ी क्रेजी थिंग है जिसको मतलब देख के आधा तो दिमाग ऐसे ही बंद हो जाता है, कितनी देर लाइन में लगो फिर जाके अंदर आपको खाना मिलेगा, और किसी को भूख लग रखी हो तो भाई साहब परेशान ही हो जाएगा। और ये देखो यार कैसी ऊंची नीची सी जगह है, काफ़ी सही लग रही है देखने में, और देखो इस तरीके से लगा देते हैं बाहर से डिसाइड करके जाओ, अंदर जाके आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, अंदर जाके आपको खुद ही टोकन लेने होते हैं, खुद ही पैसा देना होता है और उसके बाद आप खा सकते हो। और ये देखो आइकिया का शोरूम, ये मैं अंदर कभी नहीं गया इसके, पर ये बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर, आप जाके मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बेड लेना है तो आप इधर ही बेड देख सकते हो पूरा। और गाइस आपको ना एक बात बताता हूँ टोक्यो के बारे में, जो टोक्यो है ना ये पहले मतलब कैपिटल नहीं थी जापान की, इससे पहले इसके बारे में बोला जाता है कि क्योटो जो है वो राजधानी होती थी पुराने टाइम पे, पर कुछ टाइम के बाद बदल के इसको बना दिया गया था। और जो टोक्यो है ना इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं भाई साहब जापान की 25% आबादी रहती है, यानी पूरे जापान में लगभग 137 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 34 मिलियन लोग सिर्फ टोक्यो में रहते हैं, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला सिटी बन जाता है। और यहाँ पे भाई साहब भीड़ इतनी और महंगा इतना हद ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अगर आप होटल भी बुक करोगे तो 2-3 हज़ार रुपये में आपको मतलब कोई एक छोटा सा बेड और थोड़ा सा स्पेस मिलेगा,
यहाँ पे अगर आप पीक सीजन पे आ रहे हो तो यही प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी जैसे अभी मैं पीक सीजन पे आया हुआ हूँ, मेरे को सिटी के एंड पे यानी काइंड ऑफ बोल सकते हो कि टोक्यो के बिल्कुल एज पे जो होटल मिला है ना भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा महंगा मिला है। 7,500 पर डे नाइट का मिला है, मतलब काफ़ी महंगा है। और ये मतलब मैंने किया है 4 नाइट के लिए बुक, और मैंने पे किया लगभग 54,000 यानी 55,000 येन मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर जब मैं आइटनरी दूंगा तो मैं पक्का लिख दूंगा। और यहाँ पे भाई साहब ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, यानी जो वो केपॉप क्या होता है, वो लड़कियाँ बनाती नहीं, वो ऐसे ऐसे करके कुछ वो वाले, उससे रिलेटेड मतलब बहुत कुछ है, लोग पागल हैं। और भाई काकू को दिख गया इंडियन वेजिटेरियन फूड जो कि पीछे था, मैं व्लॉग बना रहा था तो लड़की बोली नहीं, तो चलो कोई नहीं, एक बार इंडियन फूड देख लेते हैं, अगर कुछ बढ़िया सा मिला तो खा लेंगे। और अगर वैसे यहाँ पे ना टेस्ट बड़ा बेकार होता है, मैं 2 बार ही खा चुका हूँ यहाँ पे इंडियन फूड, यहाँ पे ना मीठा मीठा मिलता है यार, मतलब अगर आप इसको मंगाओगे ना कि भाई कढ़ाई पनीर दे दो, कढ़ाई पनीर दे जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप खीर खा रहे हो। प्याज तो मेरे ख्याल से डालते ही नहीं बिल्कुल भी, टमाटर की प्योरी में पता नहीं क्या मिला के दे जाते हैं। और इनके जो आलू और सब्जी है ना, उनके भी कलर डिफरेंट से हैं, ऐसे काले काले से आलू भाई साहब, पता नहीं कैसे फ्राई करके देते हैं, कैसे देते हैं, पर थोड़ा अजीब से देते हैं। और ये देखो भाई साहब, ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं फूड की काफ़ी यूनिक तरीके से, पर ये मांस मिट्टी बहुत खाते हैं इसलिए मेरे को इतना वो नहीं लगा यार, मांस मतलब इतना नहीं अलग से उतरेगा आपने, मजबूरी में कभी खाना पड़ा तो खाऊंगा, पर ऐसे पूरी इच्छा से नहीं खाऊंगा, जब तक काम चलेगा वेज से ही काम चलाऊंगा। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट, भाई साहब ये देखो यहाँ पे ना इंडियन फूड है कुछ मिलान करके, यहाँ पे रेट देखो यार 1190 की सिर्फ सब्जी, और ये ना थोड़ी सी देके जाएंगे जहाँ तक मेरे को आइडिया है, और ये 1740 का सिंगल करी सेट, मतलब एक रोटी और एक कटोरी सब्जी देके जाएंगे। ये भाई साहब 1740 है ना, तो 1200 रुपये मान लो, 1200 रुपये में इतना कितना महंगा मतलब। और ये है यहाँ पे ब्राउन राइस विद सैलड 880, ये भी 600 रुपये का तो आराम से हो जाएगा, 500 या 600 रुपये का, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, मैं अभी इतना स्पेंड नहीं करूँगा बिल्कुल। तो मैं जा रहा हूँ भाई साहब 7-Eleven पे ही, क्योंकि 7-Eleven पे 1500-1600 में तो भाई साहब मेरी 2 या 3 टाइम की मील मिल जाएगी। हाँ थोड़ी सी वो थोड़ी सी अनहेल्दी होगी क्योंकि मैदा वैदा होगा, पर हेल्दी तो ये भी नहीं होगी, ये भी नाम में मैदा ही देते हैं, तो वहाँ पे मेरे को बजट मिल जाएगा। और इतने में तो एक बंदे का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा श्योर नहीं है, पर इतने में 7-Eleven में तो मेरा पेट भर जाएगा। और गाइज मेरे को घूमनी है दुनिया, पैसे मेरे पास है नहीं, तो मैं कर रहा हूँ बजट ट्रैवलिंग, मैं इतना भी रिच नहीं हूँ कि भाई साहब इतना पैसा स्पेंड कर सकूँ। 1-2 कंट्री में पैसा स्पेंड कर लिया मैंने, सारे मज़े मार के देख लिए, जितना लग्जरी मतलब कर सकते हैं उतना, पर अभी मेरे को करनी है बजट ट्रैवलिंग, जिससे मैं कम से कम पैसे में मैक्सिमम से मैक्सिमम देशों को कवर कर सकूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं वापस से 7-Eleven, और 7-Eleven ही है भाई साहब हम गरीबों का सहारा। और गाइज मैं आ गया 7-Eleven के अंदर, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मील्स अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पे ना मील्स बिकती बहुत हैं, इनके लोग भी बहुत खरीदते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे भी लोग बजट में मैनेज करना तो चाहते ही होंगे, क्योंकि किसी को पैसा ज़्यादा ख़राब करना अच्छा लगता नहीं होगा, फूड पे पैसा लगाना चाहिए, पर अभी बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भाई साहब सब सोच समझ के करना पड़ेगा। ये रखिए यहाँ पे ना कुछ तो आपको वेजिटेरियन मिल ही जाता है। ये क्या है, ये है राइस बोल विद एग एंड वेजिटेबल्स, काफ़ी सही ऑप्शन है, एग मैं खा लेता हूँ, अभी खाना मैंने स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल ना, सिंपल तो नहीं है इसके अंदर, तो वो पड़े झींगे काइटो देखना, ये चल सकती है। और देखता हूँ, और भाई ये पोर्क बहुत ही ज़्यादा खाते हैं यार, सूर के तो ये दीवाने हैं भाई साहब, हद है, मतलब हद ही मचा रखी है इन्होंने सूर को लेके, तो इतना खाते हैं मतलब कुछ चीज़ों का तो पता ही नहीं, उस पे लिखा भी नहीं होता, पर करी वगैरह में ना पोर्क वगैरह होता है, तो ना कंफर्म पहले कर लेना। हाँ जो इस तरह की चीज़ है ना, ये आपको इजीली मतलब मिल जाती हैं, जिसमें पोर्क वगैरह नहीं होता, काफ़ी सही चीज़ है ये। और इधर रखे हुए हैं काफ़ी सारे वफल्स काइंड ऑफ, और ये है कुछ हाम एंड चीज़, पक्का इसमें कुछ नॉन वेज है, जो समझ में ना आया ना खाना मत। और ये सुशी तो मैं ट्राई करूँगा, पर अभी नहीं, लास्ट में करूँगा जब आखिरी के दिन होंगे, पर क्योंकि जापान आओ और यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो ना खाओ, तो ट्रेडिशनल इतना भी नहीं कि कच्चा मांस खाऊंगा मैं, पर ये कि कुछ तो खा सकते हैं। और देखो दूसरा ना ये राइस बोल देखो यार कितने, 113 रुपये की, यानी ये लगभग होगी 80 रुपये का थोड़ा सा चावल है भाई साहब देख लो। और ये देखो ये क्या ही है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये इतना तो ना अपने वहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 रुपये, 30 में मिल जाएगा, पर यही भाई साहब यहाँ पे 400-400, 300-300 रुपये में मिलता है। और ये है 160 के, वैसे ठीक है 160 के दो नान छोटे छोटे से, मतलब 100-120 रुपये में हो जाएंगे। और गाइज हमने ले लिए हैं, और ओवन करने के लिए बोल दिया गर्म करने के लिए, और इसका आया 670 बिल, जो कि काफ़ी ठीक है, 670 में दो बंदे खा लेंगे, एक एक नान हो जाएगा, थोड़े थोड़े चावल और करी हो जाएगी, काफ़ी ठीक है, पेट भर जाएगा शाम का। बाकी घर पे जाके मतलब रूम पे जाके हम नट्स कैरी किए हुए हैं, अब नट्स खा लेंगे और दूध पी लेंगे। और गाइज हमने खा लिया खाना,
ये मान लो दो बंदों का 350-400 रुपये में, 350 कुछ रुपये में काम चल गया और पेट भी सही भर गया ना, डिसेंट सा, मतलब सही भर गया, मतलब ना तो बहुत डांगर की तरह और ना बहुत ज़्यादा कम, मतलब काफ़ी सही था। और गाइस मैं बोल रहा था ना, ऐसी कुछ मूवीज़ बनाते हैं अपनी और बहुत ज़्यादा क्रेजी लेवल पे देखते हैं। बड़े बड़े लड़के हैं ना, लड़के हैं जो बड़े बड़े लोग भी हैं वो भी देखते हैं यार इन मूवियों को, हम तो सिर्फ बचपन में देखते थे और अब बड़ा होने के बाद भी ऐसी मूवी देखें ना तो लोग बोलेंगे क्या बचपन वाली चीज़ें देख रहा है भाई साहब, मतलब तगड़ी चीज़ है। लोग इन मूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर असली वाले रियल बंदों की बजाय। और यहाँ पे मेरे को ना पुरानी गाड़ियाँ देखने को बहुत मिल रही है, अभी सामने खड़ी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है पर काफ़ी पुरानी है, देखते हैं कौन सी है। इसके ऊपर लिखा तो है कुछ, कैमरे है, कौन सी है ये, है कुछ सेंचुरी, पता नहीं कौन सी गाड़ी, मैंने तो पहली बार देखी है ऐसी। ऐसी तो मैंने GTA Vice City में देखी थी भाई साहब, अंदर देखो डिस्प्ले चेंज करवा रखी इस बंदे ने, कैसी सी गाड़ी थी, रोल्स को इसकी कॉपी सी लग रही है, मतलब दिखने में कुछ ऐसी ही थी। और गाइज ये देखो अभी भी उतनी भीड़ लगी हुई है भाई साहब जितनी तब लगी हुई थी, मतलब काफ़ी क्रेजी है। तो चलो कोई नहीं भाई, अभी हम जा रहे हैं वापस से अपने होटल की तरफ क्योंकि काफ़ी देर हो गई और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी हम वापस से घुस गए हैं, अपने को टिकट बाय करनी है JR पास से रिलेटेड, आई थिंक 400-400 फिर से लगेंगे और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे पता नहीं कौन सा स्टेशन था वहाँ पे, और वहाँ से लेंगे हम अपने वाले ट्रेन। एक बार यहाँ से घुस जाते हैं फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं किधर जाएंगे। JR लाइन लिखा हुआ है वैसे तो, JR लाइन पे ही चलते हैं क्योंकि JR लाइन का अपने पास पास है, हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए या फिर अपने स्टेशन तक का कुछ मिल जाए, देखते हैं। और गाइज अगर आप इस तरह की जगह पे आओ ना तो इस तरह की जगह पे ना घुस के देख लेना क्योंकि कई बार ना टेस्ट कराने वाले मिल जाते हैं, आप टेस्ट कर सकते हो अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो। और इनका पिज़्ज़ा देखो भाई साहब कैसा है, कुपोषित है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। मेरे ख्याल से है तो वेज ना, वेज नहीं है कुछ, पड़े हैं झींगे रेड रेड से। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसी जगह पे आओ ना तो घुस जाना, यहाँ पे आपको कई बार टेस्ट करने के लिए कुछ तो मिल सकता है क्योंकि मेरे को मिला था इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए, और काफ़ी टेस्टी था। उसमें आई थिंक वॉफल्स चेक करवाए थे जब मैं आया था ना, टोक्यो वाले स्टेशन से निकल रहा था तब देखा था मैंने ऐसा कुछ, वहाँ पे चेक करवा रहे थे। और गाइज अभी ना भारी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा JR पास गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गिर गया और उसको रीइशू भी नहीं करा सकते, मतलब देख रहे हैं अभी मिल गया तो जहाँ जहाँ पे हम गए थे वहाँ माइक पर दोबारा जाके अगर फिंगर क्रॉस मिल जाए होप सो, नहीं तो भाई साहब अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा क्योंकि दोबारा रीइशू कराने का कोई भी ऑप्शन नहीं है कार्ड को। हमने कस्टमर केयर वालों से पूछा उधर जाके, वो बोले कि नहीं रीइशू तो नहीं कर सकेंगे पर आप नंबर ले जाओ, किसी ने पा गया और दे गया तो हम आपको लौटा देंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं, मिल गया तो फिंगर क्रॉस फिर से, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, मतलब वही है कि टाइम भी ख़राब होगा नुकसान भी होगा। और गाइस इनकी ट्रेनों में ना इनको ऐसी ऐसी चीज़ें लगानी पड़ रही हैं जिससे ये हंस पड़े, मतलब भाई ये सारे सीरियस बंदे हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, मतलब रोबोट काम के लिए वफादार, कम्युनिटी के लिए वफादार बिल्कुल भी नहीं है भाई, मतलब हाँ हेल्प कर देंगे पर एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं और यही कारण है जापान में सबसे ज़्यादा लोग हैं। गाइस फाइनली हमने अपना पास तो खो दिया है, दोबारा मिला नहीं। और भाई दो तीन एक्सपीरियंस हुए अभी ना, पुलिस वालों से बात कर रहे थे हम, भाई इतने रद्दी पुलिस वाले हैं, इतने रद्दी पुलिस वाले हैं भाई साहब। मैं तो सोचा करता कि हमारे हवलदार है ना इंग्लिश ना बोलनी आती या फिर समझनी ना आती, भाई इनके तो जो थानेदार है ना उन्हें भी ना बोलनी आती भाई साहब, तगड़ा करड़ा थे इनका तो इंग्लिश में, और समझाना बहुत औखा काम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो भाई हम तो अपना शांति करके लिख रहे कि ना तोते ये भाई रात के 11 बजे कितने होते आ लेंगे, 11:30 बजे तो वही हमने तो ये डिसाइड करा वापस जाते हैं होटल रेस्ट करते हैं, कल देखते हैं मिल गया तो ठीक है ना तो ना सी। बाकी यार गलत बात है यार, 50,000 येन का मतलब पास है यार, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, रीइशू कर देना चाहिए ने बोले रीइशू ना करते, दो ही ऑप्शन है, कहते नया खरीदो या फिर अपना उसने ढूंढो माइस ने कुकटो वहाँ मैं GPS लग रहा है इसमें नहीं बोलते कि पुलिस स्टेशन जाओ। हाँ पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन गए साला वो हमने रेलवे स्टेशन पे छोड़ना आ गया, बोलता कि कार्ड तो मिलेगी तुमने ट्रेन पर है भाई, इतना समझाया था मैंने भाई, पता नहीं मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। टोक्यो का एक्सपीरियंस मेरा ख़राब हुआ और भाई यहाँ के लोग तो ना सच बताऊँ, देखो मैं ये नहीं कहता सारे लोग बुरे होंगे पर भाई मेजोरिटी लोग ना भाई गाली तो नहीं दे सकता क्योंकि लोग हैं फैमिली भी देखती होंगी, पर समझ जाओ हद हद बेकार लोग हैं यहाँ के,
अपने इंडिया में यार यार अपने जो यूट्यूबर है ना सही में यार दूसरे देश की ना इतनी तारीफ कर देंगे, तारीफ के पुल बांध देंगे, पर रियल में यार ऐसा नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं ना वहाँ पे भाई सारे तरह के लोग मिलते हैं, और यहाँ के लोग तो मेरे को रोबोट लगे यार। हमारा ना गरीब तो गरीब आदमी अपने देश में, मतलब बेकार तो बेकार आदमी उठ जाएगा, बूढ़े आदमी ने देखा अगला तू बैठ जा, लंटी तू बैठ जा, और ये भाई का दिन खूसट बूढ़े खड़े रहे हैं, और ये उनकी अपाइज वाली सीटा बैठे रहे हैं। इवन जो लंगड़े वाली हो जाते हैं ना वो व्हील चेयर वाली उस पर भी बैठे रहेंगे, और जो वो होंगी ना प्रेग्नेंट मतलब प्रायोरिटी सीट से उन पर भी बैठ रहेंगे। बेशरम सांग है इनका। और भाई ये इतने अजीब लोग हैं, काम तो काम रखे हैं, मतलब मान लिया हेल्प 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 कर देंगे, पूछोगे आप इनसे हेल्प कर देंगे, पर मतलब वो बात नहीं है जो अपने इंडिया में। इसलिए भाई साहब इतने देशों में घूमने के बाद मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई मेरा वर्तमान बेच सकते कितने करप्शन हो, बेच सकते कितने बुरे लोग हों, पर मेजोरिटी लोग अच्छे हैं हमारे देश में। और ग्रोथ तो भाई वो है हर एक देश के रहे कहीं ना कहीं, पर करप्शन तो होते ही हैं। पर मोस्टली वही है कि मेरे को पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा जापान का एक्सपीरियंस, पता नहीं क्यों। इतने देशों में गया मेरे को कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, यहाँ पे तो भाई साहब डंग डंग पर दिमाग की दही हुआ है। और इवन चाइना में भी नहीं हुआ, अरे हाँ स्टेशन का पता ही नहीं लगता कहाँ से कहाँ पे आनी है, और ना कोई हेल्प 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 डेस्क। और भाई साहब मतलब कुछ खास मेंशन नहीं होता अपने यूट्यूबर ने यार, वो है कि बेफालतू की ना हाइप बना दें किसी देश की। बात हमें क्या पता भाई इनकी कंट्री में करप्शन है या नहीं है क्या। हाँ कोई रहे तो बेरा लागे, एक इंडियन रहा था मैंने उससे बात करी, उसने तो ये बताया भाई काम तो काम रखा है के लोग, मतलब यारी दोस्ती भी होगी ना जब भी नू ना चाल के रहा था रोटी खुआओगे भाई साहब, बस नू है कि पूछ लेंगे तू ठीक है, बस इतना ही, उस आगे कुछ नहीं पूछे। तो वही है भाई, ये मत सोचना कि मेरा पास गुम हो गया इसलिए मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, मैंने बहुत चीज़ रिकॉर्ड कर रखी है, जब आप पूरी सीरीज़ देखोगे ना आपको पता चलेगा। और भाई मान लिया मेरे सब्सक्राइबर कम है, पर एक चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको, जो भी बताऊंगा ना रोड आएगा शायद बीच में, फिर अपने को वही क्रॉस करना पड़ेगा। जो भी बताऊंगा ना आपको भाई सच्चाई बताऊंगा, अगर कोई बात अच्छी होगी ना वो भी बताने में हेजिटेट नहीं करूंगा, अगर कोई बात बुरी होगी वो भी बताने में हेजिटेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आपको सच बताना, क्योंकि मेरे को सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए भाई। अभी जस्ट इमेजिन घूम रहा हूँ सलोनी और मैं इकट्ठे घूम रहे हैं, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं यूट्यूब पर आया हूँ, मैंने डालना शुरू किया है, एक ग्रोथ हो जाती है तो अच्छी बात है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ इससे। भाई मैं अच्छा खासा पैसा अपने बिजनेस से कमा रहा हूँ और तभी इतना घूम पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पैसे के लिए व्यूज़ के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, क्यों मैम ऐसा ही है ना। और दूसरी बात भाई सब जेआर पास कोई छोटा अमाउंट थोड़ी ना है, 30,000 रुपए का पास है यार, उसके पीछे मतलब ये तो होना चाहिए ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट इमेजिन आप किसी से 30,000 देते हो, वो बंदा आपको कोई इसका प्रोडक्ट दे देता है और उसके पीछे आपको कोई गारंटी वारंटी या फिर कुछ मतलब सपोर्ट ना दे कि भाई वो ख़राब हो गया घर आ जाते या राम है ख़राब हो गया, तो उसका कोई हेल्प। और दूसरा कोई फिजिकल कार्ड भी तो नहीं है ना, कोई हार्ड हा कार्ड हो ले भाई मैनेज करना ईजी हो, पेपर हा दे दे हैं कि वो भाई कितना है मैनेज कर आदमी कितने कितने, वो भी ट्रैवलर भाई सब हर जगह पे लगाना होता है। गलत आगे पैदल जाना पड़ा, करड़ा साका मचा दिया भाई ना, तो पैदल चलना पड़ा भाई सब। दूसरी बात या तो यार तुम मतलब कौन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दो कि भाई आपको घूमना हो, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन दे दो कि भाई रिफंड हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। 30,000 अमाउंट कोई छोटा अमाउंट थोड़ी ना होता, इमेजिन करो कोई 14 दिन का ले रहा है। ओ भाई उसका खो गया भाई, उसका तो तगड़ा नुकसान होगा, मतलब सही में। ये कि कागज है गिर जाए तो क्या पता लगेगा है? और यार कागज की शीटें तो है रीइशू करने में नकीजा है। हाँ? रपे ले रखे भाई कर तो रीइशू, ज्यादा ज्यादा एक फीस रख दो भाई, तुमने गुम कराया तो हम एक फीस ले होंगे, मतलब ये हाल है भाई जापान के। सुतरा है यह चीज मान गया, देखने में काफी बढ़िया है, ठीक है सुंदर तो है थोड़ा सा। अरे जस्ट इमेजिन चलो भाई भगवान की दया मारा तो भी ठीक है, आना जरूरत तो होगी तो हटके खरीद लेंगे। कोई यार बेचारा गरीब आदमी मतलब घना भी गरीब, खैर पहले तो कोई गरीब आदमी ट्रैवल करेगा नहीं, कोई फैमिली के ला जाए और उनके दो तीन के पास इकट्ठे घूम जाए, हमारे दोनों एक साथ होते तो भाई साहब वही मैं कह रहा हूँ, कोई फैमिली के ला रहा हो और एक मानस घाल रहा हो, और गलती तो उनके खूज जाए भाई दो तीन पास इकट्ठे, मेरे ख्याल से उनका तो सही भट्ठा गोल हो जाएगा भाई। तो भाई ये हाल है, चलो कोई नहीं, व्लॉग देखना, डार्क साइड का भी वीडियो बनाऊंगा मैं फॉर श्योर बनाऊंगा, क्योंकि इतना तो मेरे को श्योर है जितनी बड़ी सिटी होगी ना
उतने बड़े काले कारनामे होंगे उसके पीछे, उतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग होंगे, क्योंकि दुनिया को सिर्फ अच्छा ही दिखाई जाती है चाहे कोई भी देश हो। कि पाकिस्तान के बारे में भी आप गूगल पर लिखोगे ना, एक बात ऐसी सुथरी सुथरी बिल्डिंग लिख दिखाऊंगी गूगल के ऊपर। इन शॉर्ट वही है, किसी भी देश के बारे में सर्च कर लो, आपको ना एक बार तो अच्छा ही देखने को मिलेगा।